हाँ जी नमस्ते, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। ये साडे घर अज इस सीजन का पहला साग पालक। साडे मम्मी जी इस समय सवेरे सवेरे दे टाइम लगे हुए जी। ये मेथे भी है जी और धनिया भी है, ये दिखा रहे साडे मम्मी जी। और ये साग दी गुच्छियां। सो देखते हैं जी कद तक बनेगा, जद बनेगा थोनू तैयार होके बनन तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। हां जी थोनू जरूर दिखावांगे जी। चुक रहे हैं चुके नु अच्छी तरह जड़ा है गंदा कट देना है। उसके बाद इन 2-3 बार अच्छी तरह वाश करेंगे पानी ना, हां कोई कट्टा मटे जड़ी जो किरकल है बाहर निकल जाए, गंदा गंदा पत्ता कट के सुट देंगे जी। उस तो बाद इन्हें कट के जी बनावांगे सी कुकर विच जी। पिछले बार असि तौड़ी च बनाया सी जी, इस बार पहली बार कुकर च बना जा रहे हैं। प्रॉपर साफ सफाई करके जी तो समुचे तरीके फिर बनावांगे जी। देसी साग है जी, बहुत वधिया बनता है जी। पंजाब दा मशहूर साग, सरों का साग, मक्की की रोटी जी लगे हुंदे आ। आ देखो ये कढ़ने पैंदे आ जी। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च जी। तुसी सारे दर्शक यूट्यूब ते देख रहे हो जी, अज असी सरों दा साग बनाया ते ओहदे विच असी हुण आलण लाण लगे आ। आलन असी एक कोली तो 1.5 कोली लिया जी, उधर उबाल आ चुके असी भन के वेख लिया, गंदर अच्छी तरह गल चुके जी, बन चुके साग, पक चुके जी। तो इस तरह हौली हौली असी आलने च पाते जावे तो इन्हों नाल रलाते जावे जी। सर्दियों का मौसम है जी, आप हरेक रुत का सारा कुछ बना के खा लेना चाहिए जी। इस तरह सर्दियों का मेवा ही कहो जी इन्हों, पंजाबियों का खास करके सरों का साग, मक्की की रोटी नाल मखनी हो जी, देसी घ्यो हो जी। हूँ असी इदा थोड़ा थोड़ा करके पा दिता जी, हूँ असी इन्हों अच्छी तरह हिलावे। असी गैस मीडियम रख के देख सकते हो, तुम मीडियम गैस है साड़ी जी। हूँ इन्हों असी हौली हौली हिलावे जी। जे थोनू लगता है आलन थोड़ा जा घट है या साग विच थोड़ा जा पानी है, साग च आवाज आती है पानी की सुलभ सुलभ करके आवाज आती होंगी साग च जी, तो तुसी थोड़ा जा मक्की का आटा विच होर पा सकते। मैं थोड़ा जा मक्की का आटा होर पाया जी, अद्धी एक मुट्ठी जी। अच्छी तरह सवेरे दसिया जो बनान लगे साग, अच्छी तरह वाश किया 4-5 बार जी। फिर इन असि चीरनिया बना के बरीक बरीक कटिया जी ताती नाल। उस तो बाद जो मतलब 2 गिलास पानी तो कुकर विच धरते सी जी, जो पानी उबल गया सिम गैस करके कटिया हुआ साग असी थोड़ा थोड़ा करके चीरनिया हौली हौली पा दिता चीरनिया करके। तो हूँ असी ए जो जो साढ़े सिम तो गैस से हो गया जी, असि थोड़ा थोड़ा घोटी भी नाल असी थोड़ा जा जी ये फ्लेवर देने वास्ते मसीर च धनिया पाया जी। उस तो पहले असी इसे अदरक लहसुन हरिया मिर्चा प्याज बरीक बरीक कट के कूडी सोटे च ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਾਗ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ टेस्टी बने जी, ते खाने च टेस्ट भी वधिया होगा जी। असी 2 चम्मच भर के साग देसी घ्यो दे पाया जी। असी साग नूं तड़कना नहीं जी, असी इस तरह ही खाईदा मतलब बना के साग नूं जी, ते बहुत टेस्टी जी लगदा सी। हरेक बार असी इसे तरीके नाल साग बनाईदा जी,
ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਸਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਸਾਗ ਦੇ ਟੇਸਟ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਗ ਬਣਾਇਓ ਜੀ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।